सूजी सोमोरी नाम की एक महिला 3 मंजिला घर में रहती है जिसमें बहुत सारे कमरे और खिड़कियां हैं। खास बात यह है कि वो 3री मंजिल से दूर रहती है और इसी इमारत में एक बड़ा कमरा मौजूद है जिसकी दीवार पर एक सूरज की पेंटिंग मौजूद है और इसके कॉर्नर पर गिलबर्ट लिखा है। वह नहीं जानती कि वो पेंटिंग वहां क्यों है। सूजी को इस कमरे का माहौल अजीब लगता है और वो यहां पर खुद को असहज महसूस करती है। वो जब भी कमरे के अंदर जाती है तो उसे यह पेंटिंग एक डरावना एहसास कराती है। पहले तो उसे लगता है कि यह सब उसके दिमाग का वहम है, इसलिए वो इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन एक दिन सूसी को कुछ ऐसी चीज का सामना करना पड़ जाता है जो काफी भयावह था। एक दिन सूसी घर में अकेली थी और तभी वह कैमरे पर इसे कैद कर लेती है। सूसी इस वीडियो को वहीं समाप्त कर देती है, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रीपी घटना उसके साथ अब होने वाली थी। एक दिन सूसी की भतीजी उसके कमरे के अंदर खेल रही थी और वो किसी अनजान शख्स से बात कर रही थी जो सूसी ने अपने कैमरे पर कैप्चर कर लिया। सूसी की भतीजी दीवार पर बनी हुई पेंटिंग से बात करती हुई प्रतीत हो रही है। सूसी ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही है और तब सूसी की भतीजी ने यह जवाब दिया। Did you like him? Yes. Gilbert's like one of my best friends. Look. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Yeah. Does he speak to you? Yeah. What does he say? उसने बताया कि वो उसका दोस्त है जिसका नाम गिलबर्ट है और वो यहीं रहता है। उसी ने इस पेंटिंग को बनाया है। सूसी को लगता है कि शायद उसने उस पेंटिंग को अपना इमेजिनरी दोस्त बना लिया है। इसके बाद एक और बार सूसी ने उसकी भतीजी पर जासूसी की और जब वो सो गई तब उसके कमरे की तलाशी की और उन्हें ये मिला। कहने की जरूरत नहीं है कि सूसी इसे देखते ही सन्न रह गई। उसे बेसमेंट में एक आउजा बोर्ड देखने को मिला और इससे भी अजीब बात यह थी कि उस आउजा बोर्ड पर वही सन की पेंटिंग बनी थी। यह सब संजोग नहीं है, यकीनन दीवार पर बनी पेंटिंग और आउजा बोर्ड का किसी तरह खुद से संबंध है। इसके बाद सूसी ने उस घर के इतिहास को खंगाला। As you can see, there are 6 people present in the photo. I'm looking at the English census records. I found that the father would be called John, the mother was called Maud. Next to her on the balcony is her daughter Dorothy. The birth of a little boy called Gilbert was also registered here in 1911, so he would be about 5 or 6 in this photo.
यह हाउस 1902 में बनाया गया था और यह तस्वीर 1916 की है। इस फोटो में 6 लोग मौजूद है और इसमें एक छोटा बच्चा भी है। सुसी का दावा है कि यही छोटा बच्चा गिलबर्ट होगा, जिसका वो थर्ड फ्लोर वाला कमरा होगा और बाद में किसी कारणवश उसकी मौत हो गई होगी और उसी गिलबर्ट की आत्मा अब भी उसे घर में मौजूद है और उसकी भतीजी का भी दोस्त है। हालांकि उसने घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसके बाद सुसी ने अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है। इस वीडियो को ब्रायन रेमिरेज नाम के एक यूजर के द्वारा शेयर किया गया है। एक दिन वो अपने घर में कुछ ऐसा देख लेता है जो उसकी कई रातों की नींद उड़ा देता है। ब्रायन लिखता है कि एक दिन वो घर में अकेला था और वो अपने डॉग को घर के पीछे बाथरूम करवाने लेके गया था और वह इसके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने अपने पेरेंट्स के कमरे की खिड़की पर कुछ ऐसा देखा। एक डरावने फेस वाले ब्लैक फिगर को खिड़की पर खड़े होकर बाहर झांकते हुए देखा जा सकता है। ब्रायन को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या था। ब्रायन ने बताया कि ये किसी बच्चे की शैडो लग रही है, पर सच में वो काफी डरावनी थी। खैर, अगर वीडियो फुटेज रियल है तो निश्चित रूप से ब्रायन की कई रातों की नींद जरूर उड़ गई होगी। एक शहरी खोजकर्ता एक अबांडेड पड़ी बिल्डिंग का दौरा करने के लिए निकलता है और उसका सामना एक भयानक चीज से होता है। खोजकर्ता को इस बात के बारे में पता नहीं था कि वहाँ उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। अगर उसे इस बात का पता होता तो शायद वो वहाँ जाने से बचता। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद एक स्थानीय निवासी ने इस घर के इतिहास के बारे में कॉमेंट सेक्शन में बताया कि इस घर में एक माँ अपने दो बच्चों के साथ रहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसका एक बेटा कहीं लापता हो गया और इसके कुछ दिनों के बाद माँ और बेटे की किसी ने हत्या कर। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने मान लिया कि घर शापित है और तभी से यह घर सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। और वीडियो में भी जो कुछ कैप्चर हुआ वो यही साबित करता है। लुक एट सीढ़ियों से ऊपर जाते समय सीलिंग के अंदर से एक चेहरे को झांकते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अंदर कौन था, वो क्या चीज थी, लेकिन यह किसी इंसानी फिगर की तरह ही प्रतीत हो रही है। हो सकता है कि वो कोई अतिक्रमणकारी हो जो वहाँ चोरी छिपे रहता हो, लेकिन इतिहास के अनुसार सच में वहाँ कोई गोस्ट भी हो सकता है जिसके साथ वहाँ कुछ दुर्घटना हुई हो। खैर, कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, वो कोई गोस्ट था या फिर कुछ और? ओडीटी मोरालेस नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को इंटरनेट पर शेयर किया है। इस वीडियो को 8 जुलाई 2018 को लिया गया था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ एक स्थानीय नहर में बोटिंग का मजा ले रहा था, लेकिन तभी उसके साथ एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है जो उनकी समझ के भी बाहर था। आइए इस फुटेज को देखते हैं। पानी के बीच में एक फिगर को तैरते हुए देखा जा सकता है जो उनका पीछा कर रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि यह कोई गोस्ट हो सकता है जिसकी मौत इसी नहर में डूबने से हुई होगी, जबकि कुछ अन्य लोगों का दावा है कि यह कोई पानी में रहने वाला जीव है। तो आपको क्या लगता है, यह कोई गोस्ट है या फिर कोई मगरमच्छ जैसा जीव? यह लगभग आधी रात का समय था जब एक आदमी को कुछ पैरानॉर्मल चीज का सामना करने को मिलता है। यूजर लिखता है कि एक नाइट वो अपने कमरे में फोन चला रहा था और तभी उसे कुछ सुनाई देता है और वह इसे अपने कैमरे पर कैप्चर कर लेता है। आइए देखें।
पहले बात तो ये डोल दिखने में ही काफी डरावनी लग रही है। इसके बाद वो गुड़िया अपने आप ही मूव हो जाती है, जो किसी की भी धड़कने तेज करने के लिए काफी है। भले ही डोल किसी तरह के हवा के झोंके से हिली हो या फिर कोई और कारण रहा हो, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा देर रात को हो जाए तो आपकी भी हालत खराब हो सकती है। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के 5 बहुत ही क्रीपी वीडियो फुटेज। तो वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।